हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सीरीज जो मैंने शुरू किया है उसका ये पार्ट टू वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मैं लाया हूँ 5 वर्ड्स, देखते हैं कौन कौन से हैं। गाइस, जो सबसे पहला वर्ड है इसे हम कहते हैं डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल ये आपको जब न्यूज़पेपर में दिखाई देगा तो डेट्रीमेंटल का मतलब ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब वो किसी की क्वालिटी बताया गया, यानी कि कोई भी चीज़ डेट्रीमेंटल हो सकती है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नुकसानदेह या हानिकारक। कहने का मतलब है कोई चीज़ अगर डिट्रीमेंटल है तो उस चीज़ के अंदर ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी प्रवृत्ति है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा देगा। मान लीजिए कोई दवाई है, अगर वो डिट्रीमेंटल है तो इस दवाई से किसी को हार्म होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो वो हर एक वो चीज़ जो किसी को हार्म कर दे वो डिट्रीमेंटल है। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका बिहेवियर दूसरों को हार्म करता हो तो आपका बिहेवियर डेट्रीमेंटल हो सकता है। हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो, वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। हो सकता है कोई दवाई डेट्रीमेंटल हो, कुछ भी डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो जब भी आप डेट्रीमेंटल बोलेंगे, अगर आपको बोलना है कि भाई उसका बिहेवियर मेरे बिजनेस के लिए हानिकारक है, तो मैं बोलूँगा कि हिज बिहेवियर इज डेट्रीमेंटल मेरे बिजनेस के लिए। यहाँ फॉर नहीं लगाना होगा, यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना होगा, डेट्रीमेंटल टू माई बिजनेस। याद रखिएगा, डिट्रीमेंटल के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद वो किस चीज़ के लिए हानिकारक है, किस चीज़ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ को आप दिखाएंगे। तो डिट्रीमेंटल टू ब्ला ब्ला ब्ला, आप समझ रहे हैं? जैसे इंजूरियस टू हेल्थ कहते हैं ना, इंजूरियस टू, वैसे ही डिट्रीमेंटल टू का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसका एक डिट्रीमेंटल प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, तो जैसे आप बोलेंगे डिट्रीमेंटल इफेक्ट, तो इफेक्ट के बाद आपको ऑन लगाना होता है। जैसे कि इट हैज़ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन माई बिजनेस, तो फिर इफेक्ट के बाद ऑन लगाएंगे। और ये मेरे बिजनेस के लिए डेट्रीमेंटल है, तो दिस इज या इट इज डेट्रीमेंटल टू माई बिजनेस। तो ये आप फर्क याद रखिएगा गाइस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ गाइस। व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट डेट्रीमेंटल टू अदर्स, जो भी हम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है। तो आपने देखा डेट्रीमेंटल के बाद टू का इस्तेमाल किया है, तो डेट्रीमेंटल फॉर नहीं लगेगा, टू लगेगा, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है गाइस। अगला देखते हैं, दिस मेडिसिन कुड हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, इस दवाई का आपके स्वास्थ्य पर एक हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट के बाद हमने ऑन लगाया है, तो इफेक्ट आएगा तो ऑन का इस्तेमाल होगा। योर ईगो कुड बी डेट्रीमेंटल टू योर मैरिड लाइफ, ये तुम्हारा जो ईगो है तुम्हारे शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इट मीन्स कि वो हार्म कर सकता है, तो डेट्रीमेंटल टू का इस्तेमाल होगा। द लैक ऑफ रेन विल हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स, यानी कि बारिश की जो कमी है इसका फसलों पर, जो फसल होते हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यू नो, डेट्रीमेंटल हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा है तो ऑन का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आप डेट्रीमेंटल का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ डेट्रीमेंटल हो सकती है। तो जब भी आपको न्यूज़पेपर में डेट्रीमेंटल दिखाई देगा तो या तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट लिखा होगा, यानी कि हानिकारक प्रभाव, या लिखा होगा कि डैश इज या डैश वॉज डेट्रीमेंटल टू डैश, इस तरीके से होगा। तो आई होप कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, नुकसानदेह। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो वर्ड है इसे बोलते हैं मिसअप्रोप्रिएट। मिसअप्रोप्रिएट, अब आपको लग रहा होगा अप्रोप्रिएट तो उचित होता है, बट आपको मैं समझा दूं कि मिसअप्रोप्रिएट जो है एक वर्ब है, यानी कि आप इसे मिसअप्रोप्रिएटिंग, मिसअप्रोप्रिएटेड चेंज कर सकते हैं। मिसअप्रोप्रिएट्स जैसा टेंस वैसा आप इसको, इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। तो मिसअप्रोप्रिएट का जो मतलब है, ये हिंदी में अगर देखें तो दूसरों का माल खाना या गबन करना, खासकर इसका पैसों से ज़्यादा लेन देन होता है, पैसों के लिए ये जो वर्ड है काफ़ी यूज़ होता है। वो भी कैसे, मान लीजिए कि आपको मैंने कुछ पैसे दिए कि आप इस इन पैसों का ख्याल रखें, देखरेख करें, जब ज़रूरत होगा तो मैं ले लूँगा, या इसको किसी काम में हमें लगाना है, तो आपकी देखरेख में मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है? यानी कि आप एक तरीके से केयर टेकर थे। आपने क्या किया, उन पैसों का थोड़ा सा उसमें से चुरा के बचा के अपना पर्सनल यूज करने लगे और पता नहीं चलने दे रहे, आप गबन कर रहे हैं, समझ रहे? आप दूसरों का माल हड़प रहे हैं, आप खा रहे हैं।
तो इन कंडीशन में जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा मिस एप्रोप्रिएट. इट मीन्स यू आर मिस एप्रोप्रिएटिंग द मनी. आप वो जो पैसा है उसको उसका आप गवर्न कर रहे हैं, मिस एप्रोप्रिएट आप कर रहे हैं. ऐसे ख्याल रखिएगा गाइस. तो अब इस पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं. द फिनेंस मैनेजर मिस एप्रोप्रिएटेड कंपनी फंड्स, यानी कि कंपनी का जो फंड था उसको मिस एप्रोप्रिएट किया है, यानी कि उसका गबन किया है, उसका अपने लिए इस्तेमाल कर लिया उन पैसों का कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने. ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मिस एप्रोप्रिएटिंग 10 लाख रुपीज, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया है 10 लाख रुपए का गबन करने का. एक्यूज्ड ऑफ के बाद आपको जिरण दिखाना होता है, तो एक्यूज्ड ऑफ मिस एप्रोप्रिएटिंग और जितना पैसा. कहने का मतलब है कि भाई जिसने भी, जिसको जो भी केयर टेकर था, कोई ट्रेजरर हो, कोई फाइनेंस मैनेजर हो, जो भी उन पैसों का केयर टेकर था, जिसको पैसा मिला उसने उन पैसों का घोटाला किया, उसने अपने काम में इस्तेमाल किया, इट मीन्स कि उसने मिस एप्रोप्रिएट किया उस मनी को. तो आप कह सकते हैं कि मिस एप्रोप्रिएट के बाद वो मनी, वो अमाउंट दिखाना है कि ही हैज मिस एप्रोप्रिएटेड 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, ऐसे कर सकते हैं. किसी लीडर को आप कह सकते हैं कि दैट लीडर हैज मिस एप्रोप्रिएटेड दैट मनी, उस पैसे को उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है, यानी कि अपने फायदे के लिए यूज किया है, गबन किया है. तो ये आपको न्यूज़पेपर में मिलता है, बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश है, मिस एप्रोप्रिएट. इट मीन्स कि पैसों का गबन करना, खा जाना. अगला वर्ड देखते हैं गाइस. अगला जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं बटरेस, BUTTRES, बटरेस. आपको बटर जैसा लग रहा होगा, बटरेस एक्चुअली वर्ब है. अब बटरेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी बताऊं बटरेस की, यहाँ लिखा होगा मजबूत करना. बटरेस मतलब मजबूत करना. एक्चुअली होता क्या है, पहले किसी बिल्डिंग वगैरह में जब कोई भी बिल्डिंग बनती थी तो एक बटरेस यानी कि एक सपोर्ट लगाते थे, तो उस बटरेस को, मतलब सपोर्ट को बटरेस कहा जाता है. तो बटरेस एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है. मान लीजिए कि मैंने कोई पत्थर का कुछ ऐसे लगा दिया उसको सपोर्ट देने के लिए, इट मीन्स कि क्या है वो बटरेस है. तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई केस लड़ रहे हैं और वो केस कमज़ोर है, उस केस को हमें मजबूत करना है, उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, एविडेंस लाएंगे, सबूत लाएंगे. तो सबूत क्या करेगा, उस केस को बटरेस करेगा. बटरेस का मतलब है कि उस केस को मजबूत बनाएगा, उसे एक सपोर्ट देगा. मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई चीज़ है अभी ऐसे गिर रहा है, इसको ऐसे संभाल लीजिए, एक सपोर्ट दे दीजिए, तो उस सपोर्ट को हम बटरेस कहते हैं. तो बटरेस नाउन भी है और बटरेस वर्ब भी है. तो आपके ऊपर है वर्ब की तरह यूज़ करते हैं कि नाउन की तरह. आप वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो कह सकते हैं कि ये जो एविडेंस है, दिस एविडेंस विल बटरेस योर केस, यानी कि ये जो एविडेंस है आपके केस को मजबूत बनाएगा. तो समझ रहे गाइस, बटरेस का मतलब मजबूत बनाना. कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस है, अब बिजनेस को और स्ट्रांग करने के लिए, कि बिजनेस वो गिर ना जाए, वो एकदम डटा रहे, उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आप जो उपाय करेंगे, तो वो जो उपाय है, वो जो मेजर्स आप लेंगे, वो बटरेस करेगा आपके बिजनेस को. कुछ भी आप ले लीजिए, किसी भी चीज़ को मजबूत करना है तो उसको मजबूत करने के लिए कुछ तो आप करेंगे ना, कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे, वो एक्टिविटी मजबूत बनाएगा इस चीज को, तो वो एक्टिविटी बटरेस करेगा. दैट एक्टिविटी विल बटरेस कुछ भी, बिजनेस कुछ भी. मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ गाइस. यू नीड मोर फैक्ट्स टू बटरेस योर आर्गुमेंट. आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, आप जो तर्क दे रहे हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए, उस तर्क को मजबूत करने के लिए आपको और भी फैक्ट्स, तथ्य की जरूरत है. टू बटरेस माई यूट्यूब करियर, मेरा जो यूट्यूब करियर है उस करियर को बटरेस करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, आई विल हैव टू मेक वीडियोज विथ ग्रेट अपलॉम. मुझे एकदम फुल जोश के साथ, उस अपलॉम के साथ वीडियोज बनाने होंगे. आप समझ रहे हैं, तो बटरेस का मतलब है कि उसको सपोर्ट देना. योर स्मार्ट वर्क विल हेल्प यू बटरेस योर बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस को बटरेस करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए आपका जो स्मार्ट, जो एक्टिविटी है, जो स्मार्ट वर्क है, वो हेल्प करेगा. तो बहुत ही क्लियर है गाइस, किसी भी चीज़ को, बिजनेस को, केस को, आपके आर्गुमेंट को, किसी भी चीज़ को जब आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप बटरेस वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी बटरेस करेगा उस चीज़ को.
कि दिस विल बटरेस दिस, आप ऐसे समझिए गाइस। अगला देखते हैं गाइस, अगला जो है इसे हम बोलते हैं इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल ये एक एडजेक्टिव है, इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो लिखा हुआ अड़ियल, मुहजोर। अब ये जो इंट्रैक्टेबल है ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है और इंट्रैक्टेबल कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई टास्क हो सकता है। तो पहले प्रॉब्लम सिचुएशन को लेके चलते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये इंट्रैक्टेबल है, इसका मतलब कि भैया इस प्रॉब्लम के साथ डील करना ना के बराबर है, बहुत मुश्किल है, ये अड़ियल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल वाला प्रॉब्लम है। अभी जो सर्कमस्टांसेस है, अभी जो परिस्थिति है वो इंट्रैक्टेबल है। इंट्रैक्टेबल का मतलब है कि इसके साथ आप डील नहीं कर सकते हैं, ये परिस्थिति आपके फेवर में नहीं आ सकती है, ये इंट्रैक्टेबल है, देख रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, ये सिचुएशन इंट्रैक्टेबल है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई दर्द हो रहा हो और दर्द ऐसा है कि वो सही ना हो रहा हो, बड़ा अड़ियल दर्द है, वो इंट्रैक्टेबल है। हो सकता है कि कोई चीज़ है, आप किसी चीज़ को मोल्ड कर रहे हो, कोई मेटल ले रहे हैं, आप मेटल को एक आकार दे रहे हैं और वो उसका आकार आप दे नहीं पा रहे, यानी कि वो जो मेटल है वो इंट्रैक्टेबल है। और मेटल ही नहीं, आप मिट्टी ले लीजिए, कोई क्ले ले लीजिए, क्ले से आप कुछ बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो क्ले इतना अड़ियल है, इतना ज़िद्दी है कि वो आकार में नहीं आ रहा है, वो क्ले क्या है, इंट्रैक्टेबल है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है, आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी व्यक्ति है, वो इतना अड़ियल है कि वो जल्दी आपकी बातों में नहीं आता, अपनी ज़िद पे ही रहता है, वो जल्दी समझता नहीं है, वो व्यक्ति भी इंट्रैक्टेबल है। दोस्तों मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पॉवर्टी रिमेन्स इंट्रैक्टेबल डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेनी कंट्रीज। इसका मतलब क्या है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, रिमेन्स इंट्रैक्टेबल, तो गरीबी इंट्रैक्टेबल रहती है, यानी कि गरीबी इतनी अड़ियल है कि वो अमीरी की तरफ आती ही नहीं है। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना भी हो रहा हो इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में, तब भी जो पॉवर्टी है रिमेन्स इंट्रैक्टेबल। समझ रहे गाइस? एक और देखते हैं, दिस कंट्री हैज इंट्रैक्टेबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि ये जो भाई देश है ना, इसमें एक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इंट्रैक्टेबल है, ये सही नहीं हो सकता, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इंट्रैक्टेबल है ये। दिस टास्क सीम्स टू बी इंट्रैक्टेबल, ये जो टास्क है ना ये इंट्रैक्टेबल दिख रहा है, यानी कि ये जल्दी सॉल्व नहीं होगा। या दैट बॉय इज इंट्रैक्टेबल, वो बड़ा ही अड़ियल व्यक्ति है। या ही इज फीलिंग इंट्रैक्टेबल पेन, उसे बहुत ही इंट्रैक्टेबल पेन महसूस हो रहा है, ऐसा पेन जो जल्दी सही हो ही नहीं रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रैक्टेबल क्या होता है, कुछ भी जिसे आप डील ना कर सके, आप उसे मैनेज ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, वो चीज़ इंट्रैक्टेबल है। दोस्तों एक और देखिए, लास्ट इसे बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड ये भी एडजेक्टिव है, हिंदी में अगर आप देखेंगे प्रोट्रैक्टेड इसका मतलब होता है लंबा। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है, मान लीजिए कि कोई झगड़ा है, अब वो प्रोट्रैक्टेड झगड़ा है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब बहुत ही लंबा, लंबे समय से वो है, लॉन्ग लास्टिंग है, वो झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा है। किसी ने स्पीच दिया, भाषण दिया, वो प्रोट्रैक्टेड भाषण था, यानी कि वो लंबा चलने वाला भाषण था। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अवधि बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी दिनों से हो, वो चीज़ प्रोट्रैक्टेड कहलाता है। दोस्तों तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। इट वॉज अ प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन, यानी कि ये बहुत ही लंबा चलने वाला नेगोशिएशन था, जो नेगोशिएट करते हैं ना, वो थोड़ा मोल तोल, क्या बोलते हैं, तोल मोल करते हैं, तो प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन यानी कि लंबा चलने वाला। या इट वॉज अ प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट था ये प्रोट्रैक्टेड था, ये काफ़ी लंबा चलने वाला डिस्प्यूट था। आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड डिस्कशन वी केम टू कंक्लूजन, यानी कि एकदम प्रोट्रैक्टेड लंबा चलने वाले डिस्कशन के बाद हम कंक्लूजन पर पहुँचे। इट वॉज अ प्रोट्रैक्टेड आर्ग्यूमेंट, ये लंबा चलने वाला आर्ग्यूमेंट था। तो ये आपको न्यूज़पेपर में आपको दिखाई दे सकता है, प्रोट्रैक्टेड स्पीच वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ही लंबा चलने वाला। इस प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक हो सकता है, किसी ने हड़ताल कर दिया हो, वो प्रोट्रैक्टेड हो, लंबा चल रहा हो, तो ये है। तो गाइज ये थे आपके 5 वर्ड्स, कभी ना कभी आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर मिलेगा, तो आप तुरंत इसका मतलब समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज़।